वैसे तो टाइमिंग को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा नेचुरल तरीका, एक ऐसा नुस्खा जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने मुस्तजनी ज़्यादा कर ली है और नौजवानी की हालत में गलत आदतें करने की वजह से आज उनकी ये हालत हो गई है कि उनको बिस्तर तक जाने में शर्म महसूस होती है, डर लगता है, वहाँ जाना नहीं चाहते, अपनी बीवी से नज़रें नहीं मिला पाते। और उनकी सबसे बड़ी दिक्कत आज के वक्त में यही है कि उनकी रुकावट नहीं बन पा रही है। वो जब भी अपनी बीवी से मिलाप करते हैं, मिलते हैं, दो चार बार आगे पीछे होने में ही उनकी मनी निकल जाती है, वो फारिग हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नेचुरल तरीका बताएंगे, एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे, अगर आप उसको घर पर बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी बीमारी ना सिर्फ ठीक होगी बल्कि जड़ से ख़त्म भी होगी। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, मैं हूं अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं आर्यन हेल्थ केयर चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, इससे हमारी आने वाली इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें पहली चीज़ है अखरोट, ये आपको 50 ग्राम लेना है। दूसरा है पिस्ता, ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। और तीसरा है सफ़ेद मूसली, ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। मात्र तीन चीजें आपको लेनी है, मार्केट में पंसार की दुकान से आपको मिल जाएंगी, कहीं से भी आप आसानी से ले सकते हैं। ये तीन चीजें मार्केट से लाने के बाद आप पहले तो इन तीनों चीजों को सुखा लें, जब ये सूख जाए और बिल्कुल खुश्क हो जाए फिर आप इन तीनों चीजों का अलग अलग बिल्कुल बारीक सफूफ तैयार कर लें, चूर्ण तैयार कर लें। फिर आप इन सारी चीजों के चूर्ण को एक डिब्बी के अंदर भरकर रख दें। अब आपकी ये दवाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपको इसका इस्तेमाल करना है दिन में 2 बार, आधा चम्मच सुबह खाइए नाश्ते से पहले हल्के गर्म दूध के साथ, और आधा ही चम्मच शाम को खाइए खाना खाने के बाद हल्के गर्म दूध के साथ। ये तो है इस्तेमाल करने का तरीका। परहेज इसमें आपको करना है अचार, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, डोसा, समोसा, पकौड़ा, खट्टी चीज़ें, मैदा की चीज़ें, ये चीज़ें आप ना खाएं। पेट को साफ रखने की कोशिश करें जब आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर रहे हों तो। आप गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नुस्खे का। और जब आप इस दवाई को लगकर खाएंगे तो फिर ये आपके अंदर मादाएं मनी को बढ़ाता है, आपके अंदर रुकावट को पैदा करता है। रुकावट का मतलब कि जहां आप 1 मिनट भी नहीं टिक पा रहे हैं, वहां 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट धीरे धीरे अपनी रुकावट को बनाकर अपनी टाइमिंग को बढ़ा पाएंगे और अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ा पाएंगे और अपने पार्टनर को पूरी तरह से संतुष्ट कर पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे। इस दवाई का इस्तेमाल करिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।